केंद्र सरकार के लंबे समय के बाद सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का भी पुरजोर से विरोध होने लगा है। सेना में 4 साल की अल्पावधि वाली भर्ती यानी अग्निवीर को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहन जी ने 3 ट्वीट में सरकार के इस फैसले को युवाओं के साथ छलावा बताया है। जी हाँ, बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र ने सेना में 4 साल की अल्पावधि वाली अग्निवीर भर्ती योजना घोषित की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस प्रक्रिया को लुभावना और लाभकारी बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। बड़ी संख्या में युवा सेना भर्ती व्यवस्था को बदलने का खुलकर विरोध कर रहे हैं। बहन जी ने कहा कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए ही सरकार सेना में जवानों की भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अग्निवीर घोर अनुचित तथा गरीब और ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। बीएसपी मुखिया ने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों और अहंकारी कार्यशैली आदि से दुखी और त्रस्त है। ऐसे में सेना नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। बसपा की ये मांग है कि सेना में भर्ती के मामले में केंद्र सरकार तुरंत अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को सरकार ने सेना में दशकों पुरानी भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की संक्षिप्त अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 40,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए पात्रता आयु 7.5 साल से 21 साल के बीच होगी और इनको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।